सीता विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाइए नए नए अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटहल की पकौड़ी। उसके लिए सामग्री चाहिए। कटहल हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है, इस तरह बिल्कुल। उड़द दाल 3 से 4 घंटा भिगो दिया है, 1 कटोरी उड़द दाल। जीरा आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, हरी मिर्ची अपने अनुसार जितना आप खा सकते तीखा, लहसुन 8 से 10, अदरक थोड़ी सी, हरी धनिया। अब हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम उड़द दाल भीगी हुई डालेंगे। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, मिर्ची, लहसुन, अदरक, इन सबको हम पीस लेंगे बारीक। हमने उड़द की दाल पीस लिया है इस तरह। कटहल हम डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम उड़द दाल डालेंगे जो हमने पीसा है, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हरी धनिया, इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। पानी लेंगे आधी कटोरी, हम हाथ में लगाएंगे इस तरह। उसके बाद ये छोटा सा इसको हम, तेल हमारा जब गर्म होगा इसको हम डाल देंगे। इसको धीमी आंच में पकाएंगे। इसे हम इतना पकाएंगे ये गोल्डन कलर का हो जाएंगे। ये गोल्डन कलर हो गया है, ये हमारी पक गई है पकौड़ी। हमारी पकौड़ी पक गई है। कटहर की पकौड़ियाँ गर्मा गर्म बन गई है। इसे चाय के साथ या नाश्ते में बनाइए और हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइए।